एक गांव में दो निकम्मे दोस्त रहते थे। वे कोई कामधाम नहीं करते थे, वे हमेशा दूसरों की कमाई हुई दौलत पर नजर रखते थे। दोनों ही बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहते थे। चीमा भाई, तुम्हें पता है आजकल शहर में मछलियों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे गांव के सारे मछुआरे आजकल खूब मुनाफा कमा रहे हैं और एक हम हैं, अभी भी फटे हाल ही घूम रहे हैं। यार, हम कब तक यूं खाली जेब लेकर घूमते रहेंगे? बल्लू भाई, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, वो हमारे बस का नहीं है। कौन सुबह सुबह उठकर तालाब में मछलियां पकड़ने जाए? भाई, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम इन मछुआरों की मछलियां चुराकर शहर में बेच दें? भाई, अगर हम किसी की मछलियां चुराएंगे तो उसे पता चल जाएगा और बाकी के सारे मछुआरे चौकन्ने हो जाएंगे। ऐसे तो हमारी ये तरकीब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। बात तो तुम सही कहते हो, तो क्यों ना हम इन सब मछुआरों की थोड़ी थोड़ी मछलियां चुरा लें? इससे हमारे पास बहुत सारी मछलियां इकट्ठा हो जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, फिर हम उन्हें शहर में जाकर बेच आएंगे। क्यों, कैसी लगी मेरी तरकीब? ये तरकीब तो ठीक लगती है भाई। अच्छा, ये बताओ कब से शुरू करना है ये काम? भाई, शुभ काम में देरी कैसी, आज रात को ही मोहन के घर से शुरुआत करते हैं। फिर रात होने पर वे दोनों मोहन के घर के पास पहुंच जाते हैं। बल्लू भाई, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? अरे यार, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा। वैसे भी गांव में सब लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। तुम यहीं रुको, मैं मोहन के घर में झांक कर देखता हूँ कि वो सोया है या नहीं। बल्लू मोहन के घर में झांक कर देखता है। मोहन गहरी नींद में सो रहा होता है। चीमा भाई, हमारा रास्ता साफ है, मोहन तो घोड़े बेच कर सो रहा है। चलो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो दोनों मोहन के घर में दबे पांव घुस जाते हैं। वहां एक बड़े से ड्रम में मछलियां भरी हुई होती हैं। वे उनमें से कुछ मछलियां निकालते हैं और अपने झोले में डाल देते हैं। बस भाई, अब बस करो, मुझे लगता है हमने बहुत सारी मछलियां निकाल ली हैं। अब चलो यहां से, वरना मोहन को शक हो जाएगा। फिर वे दोनों दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। देखा कितना आसान था, तू बेकार में डर रहा था। चल अब हरिया के घर चलते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये हरिया भी गहरी नींद में सो रहा है। चलो अंदर चलते हैं। फिर वे दोनों हरिया के घर के अंदर जाते हैं और वहां से भी कुछ मछलियां चुरा लेते हैं और दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। देखो चीमा भाई, हमने कितनी सारी मछलियां इकट्ठा कर ली। चलो अब घर चलते, सुबह होने पर इन्हें शहर बेचने चलेंगे। सुबह होने पर वे दोनों खुशी खुशी शहर की ओर चल देते हैं और शहर पहुंचकर सारी मछलियों को व्यापारी को बेच देते हैं और बदले में पैसे पाकर फूले नहीं समाते। अरे बाबा, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, आज तो मजा ही आ गया। लेकिन चीमा भाई, मुझे लगता है इन थोड़े से पैसों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमें एक ही बार में कोई बड़ा हाथ मारना होगा। आखिर हम कब तक ये थोड़ी थोड़ी मछलियां शहर आकर बेचते रहेंगे? तुम सही कहते हो भाई, शहर आने जाने में ही हमारा बहुत सारा किराया लग गया। हमें पहले बहुत सारी मछलियां इकट्ठी करनी होंगी, फिर हम उन्हें एक साथ शहर आकर बेचेंगे, तभी कुछ मुनाफा होगा। ठीक है भाई, चलो अभी गांव चलते हैं। फिर रात होने पर बल्लू भाई, देखो मोहन सो रहा है क्या? बल्लू मोहन के घर में झांक कर देखता है, मोहन सो रहा होता है। वे दोनों पिछली रात की तरह उसके घर में घुसते हैं और थोड़ी सी मछलियां चुरा लेते हैं। इसी तरह वे उस रात कुछ मछलियां इकट्ठी कर लेते हैं। बल्लू भाई, मुझे लगता है हमने बहुत सारी मछलियां इकट्ठी कर ली हैं। चलो कल सुबह होने पर इन्हें शहर जाकर बेच आएंगे। नहीं नहीं, पहले हम रोज रात को थोड़ी थोड़ी मछलियां चुराएंगे, फिर इकट्ठी होने पर उन्हें एक साथ शहर में बेचने जाएंगे। फिर वे मछलियों को चीमा के घर में पड़े एक ड्रम में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में वे बहुत सारी मछलियां इकट्ठी कर लेते हैं। बल्लू भाई, मुझे लगता है हमने बहुत सारी मछलियां इकट्ठी कर ली हैं। चलो कल सुबह होने पर इन्हें शहर जाकर बेच आएंगे। अरे नहीं नहीं, अभी थोड़ी और मछलियां इकट्ठी कर लेते हैं, थोड़ा और मुनाफा हो जाएगा। भाई, मुझे लगता है हमें और लालच नहीं करना चाहिए,
कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तू घबरा मत। गांव में मौसम बहुत खराब हो जाता है, पूरे गांव में काले बादल छा जाते हैं, जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। अरे बाप रे बल्लू भाई, इतना खराब मौसम तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तभी जोर से हवा चलने लगती है, सारे पेड़ हवा के कारण झुकने लगते हैं, जोर जोर से बारिश होने लगती है। बल्लू भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। फिर उन्हें सामने से एक बहुत बड़ा बवंडर आता हुआ दिखाई देता है। अरे बल्लू भाई सामने देखो, ये तो बवंडर है, भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। वे दोनों अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो बवंडर चीमा के घर से टकराता है और उसके घर की छत को हवा में उड़ा देता है। उसके घर का सारा सामान हवा में उड़ जाता है और जो सारी मछलियाँ उन्होंने इकट्ठी की हुई होती हैं, वो भी हवा में उड़ जाती है। अरे मर गए, चीमा भाई देखो तुम्हारे घर की छत तो हवा में उड़ रही है। हे भगवान ये क्या, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे बवंडर तेरा नाश मिटे, तुझे मेरा ही घर मिला था क्या टकराने के लिए? किसी और के घर से नहीं टकरा सकता था क्या? देखो भाई हमारी सारी मछलियां ऊपर आसमान में तैर रही हैं। अब क्या होगा, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। फिर देखते ही देखते मछलियों की बारिश शुरू हो जाती है, उनकी सारी मछलियां इधर उधर गिरने लगती हैं। वे दोनों ये सब देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। मुफ्त मछलियों की बारिश की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाई जल्दी चलो, वहाँ मछलियों की बारिश हो रही है और तुम अपने घर में बैठे हो। अरे जल्दी चलो, यही सही मौका है। ये क्या कह रहे हो भाई, भला मछलियों की बारिश कैसे हो सकती है? नहीं नहीं भाई, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। चीमा के घर के आसपास मछलियों की बारिश हो रही है, सब गांव वाले वहीं मछलियाँ लूटने गए हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर सारे गांव वाले मछलियों को लूटना शुरू कर देते हैं। अरे लूटो रे लूटो, फ्री का माल लूटो, जितना हो सके उतना लूट लो, आज भगवान मछलियों की बारिश कर रहा है, आज तो मजा ही आ गया। चीमा भाई हम तो लूट के बर्बाद हो गए, वो देखो सब गांव वाले हमारी इकट्ठा की हुई मछलियों पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। फिर वे दोनों भाग कर वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे तेरा नाश मिठे, अपने बाप का माल समझकर लूट रहा है क्या? ये मछलियाँ हमारी हैं, इसे अभी के अभी नीचे रख। क्यों भाई तुम्हारी कैसे हुई, तुम तो कोई मछुआरे भी नहीं हो, तो तुम्हारे पास ये मछलियाँ कहाँ से आ सकती हैं? भाई मैं तो कहता हूँ इस अफसर को अपने हाथ से मत जाने दो, तुम भी कुछ मछलियाँ लूट लो। बल्लू भाई ये तो हमें अपनी कमाई को ही लूटने को बोल रहा है, अब क्या करें, हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये सब लोग कुछ ही देर में हमारी सारी मछलियाँ लूट लेंगे। भाई ये सब लूट मार को तो मैं भी रोकना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, हम इन गांव वालों को कैसे बोलें कि ये सारी मछलियाँ हमारी है। वे दोनों हैरान परेशान होकर अपनी मछलियों को लुटता हुआ देखते रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है और गाँव वाले सारी मछलियों को लूट कर वहां से भाग जाते हैं। अरे भागो रे भागो, मछलियां लूटकर भागो, आज तो मजा ही आ गया। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी सारी मछलियों को ये कमबख्त गांव वाले लूटकर ले गए। हे कमबख्त बवंडर, तुझे पूरे गांव में सिर्फ मेरा ही घर मिला था टकराने के लिए, कहीं और जाकर नहीं टकरा सकता था क्या? चीमा भाई मुझे लगता है भगवान खुद हमें सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए पूरे गांव में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे लगता है हमें इससे सबक सीख लेना चाहिए। तुम सही कहते हो भाई, आज के बाद हम भी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। चलो भाई मेरे घर की छत ढूंढते हैं। अरे भागो रे भागो, मछलियां लूटकर भागो, आज तो मजा ही आ गया। अरे लूटो रे लूटो, फ्री का माल लूटो, जितना हो सके उतना लूट लो, आज भगवान मछलियों की बारिश कर रहा है, आज तो मजा ही आ गया।